हेलो एवरीवन, आई एम मुस्कान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथोपीडिया। आज की वीडियो के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईआईटी जेएम स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम के अंदर आपके पास कौन सा यूनिट कितने मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन की जाएगी कि ये एक अप्रोक्स है, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है कि आपके पास आईआईटी टू आईआईटी डिपेंड करते हैं कि इस बार आपका पेपर किस आईआईटी ने सेट किया है और वो किस तरीके से दे रही है, बट ऑन एन अप्रोक्स आपकी वेटेज जो है ऑलमोस्ट हर साल सेम रहती है। ठीक है, कट ऑफ का भी आपको आइडिया होगा कि वो तो आप नेट पे डायरेक्टली जाके चेक कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगी कि अप्रॉक्सीमेटली 20 जनरल की जाती है, उससे 2 या 3 नंबर कम हमारे पास ओबीसी की कट ऑफ जाती है, यानी कि कम से कम भी जो कट ऑफ पिछले 5 साल में गई हुई है वो 14.17 थी फॉर ओबीसी और 19 से 21 के बीच में रहती है हमारे पास जनरल की। ठीक है, इसके बाद अगर आप एससी या एसटी से हैं तो उसके 10 से ज़्यादा नहीं जाती है, अप्रॉक्सीमेटली 10 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं अगर आप जस्ट जो है जेम का पेपर क्वालिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छी रैंक के लिए नहीं कह रही मैं, क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आपके 50 या 55 प्लस आ रहे हैं तो एक बहुत डिसेंट रैंक आपकी आ सकती है आईआईटी जेम स्टेटिस्टिक्स के अंदर। ठीक है, वो भी मैं आपको सब एक्सप्लेन कर दूंगी इनकेस आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन सी आईआईटी के अंदर कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं और आईआईटी कानपुर के अंदर कितनी है, बॉम्बे के अंदर कितनी है, उसके अंदर कितनी, मतलब किस कोर्स के अंदर कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं टोटल। ठीक है, तो वो भी मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अभी आज की वीडियो के अंदर बेसिकली हम देखने वाले हैं कौन से टॉपिक, कौन से यूनिट के अंदर से कितने मार्क्स का पूछा जाता है आईआईटी जेम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम के अंदर। तो चलिए देख लीजिए कौन सा यूनिट कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है। तो देखिए, हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट यूनिट जो अभी हमारी चल रही है यूट्यूब के ऊपर, उसके अंदर से पूछा जाता है 6 मार्क्स का अप्रॉक्सीमेटली। रैंडम वेरिएबल जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है और सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है पूरे स्टेटिस्टिक्स के अंदर, उसकी वेटेज रहेगी 18 मार्क्स। ठीक है, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन 3 मार्क्स, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन 10 मार्क्स, अप्रॉक्सीमेट है, पूरा एग्जैक्ट नहीं है, बट ऑलमोस्ट अराउंड पिछले जो 5 साल है हमारे पास पेपर्स उनके बेस पे ये डाटा दिया गया है। ठीक है, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 3 मार्क्स, लिमिट थ्योरम 3 मार्क्स, एस्टिमेशंस 14 मार्क्स, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस 6 मार्क्स। अप्रॉक्सीमेटली आप उसको जब सम अप करके देखेंगे 20, 30, 40 तो यही बन रहा है, सबका सम अप करके अप्रॉक्सीमेटली 60 ही बनेगा आपका। उसके बाद अगर हम मैथमेटिक्स पोर्शन की बात कर रहे हैं तो वो आपके पास मैट्रिसेस 11 मार्क्स, सीक्वेंस सीरीज 12 मार्क्स, डिफरेंशियल कैलकुलस 10 मार्क्स एंड इंटीग्रल कैलकुलस वेरी इजी टॉपिक 7 मार्क्स। मैट्रिसेस और इंटीग्रल कैलकुलस इसके अंदर काफ़ी ईजी टॉपिक है, क्वेश्चन भी उसके कंपेरेटिवली ईजी आते हैं इन दोनों टॉपिक्स के अगर आप कंपेयर करके देखें तो। ठीक है, ये सारा जो आपका है इसमें से प्रोबेबिलिटी आपका सबसे इजी रहेगा और रैंडम वेरिएबल आपका सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा अगर आप मार्क्स जितने स्कोर करना चाहते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो। ठीक है, ठीक है, पेपर बहुत आसान नहीं आता है, आईआईटी का एग्जाम है, इतनी कम कट ऑफ जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या है, पर अगर आप एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे तो एक अच्छे आईआईटी के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, बस हर टॉपिक को अच्छे से समझना है, साथ में रिवाइज करना है, साथ में जैसे जैसे हम असाइनमेंट्स प्रोवाइड कर रहे होंगे उनको आपको सॉल्व भी करना है साथ के साथ। ठीक है, तो आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उनका आंसर करने का पूरा ट्राई करती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर वीडियोज एंड गिविंग अस अ लॉट ऑफ सपोर्ट। आपके और भी फ्रेंड्स जो भी आईआईटी जेएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।